गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.5 की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.6 करेंगे। एक्सरसाइज 11.6 पेज नंबर 146, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग, इसको ऐड करना है। तो ये देखो 43 लीटर और 37 लीटर को ऐड करना है हमें, ठीक है। तो चलो हम लोग ऐड करते हैं। 3 और 7 10 हो गया, 0 यहाँ 1 हमने कैरी किया, 4 और 3 5 और 1, 4 और 3 7 और 1 8, तो ये 80 लीटर हो गया। फिर इसको ऐड करो, 6 5 11, 1 1 कैरी किया, 1 5 6 और 2 8, 81 लीटर हुआ। अब देखो 7 और 4 11, 1 1 यहाँ कैरी किया, 1 और 3 4 और 4 और 5 9, 91 लीटर। इसको आप करिएगा, एक ये मैं करता हूँ। 6 8 14 4 1 आया, 1 और 7 8 और 6, 14 4 1 आया, 1 और 3 4 और 2 6, 44 मिली लीटर। जहाँ पर बेटा लीटर होगा वहाँ लीटर लिखेंगे, जहाँ पर मिली लीटर होगा वहाँ पर हम लोग मिली लीटर लिखेंगे, है ना। अब जैसे एक और करता हूँ, 7 और 3 10, 0 लिखा, 1 यहाँ किया, 1 और 8 9, और 9 18, 8 1 यहाँ किया, 1 और 2 3 और 1 4, 480 मिली लीटर, ठीक है। बाकी का ये आप अपने से करेंगे। अब देखो ये मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 7 वाले से कैरी गया, 13 में से 6 गया, 7 यहाँ बच्चा, 5 5 में से 3 गया, 227 मिली लीटर। अब देखो 2 में से तो 8 नहीं जाएगा, 1 कैरी करेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 और 7 में से 2 जाएगा, 5 लीटर हुआ। अब देखो ये वाला, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 1 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5, 7 में से 6 गया, 1, 3 में से 2 गया, 1 मिली लीटर हो गया। अब देखो यहाँ देखो यला मैं करता हूँ, ये दोनों यला आप करिएगा, यला भी आप करिएगा। 10 में से 9 गया, 1, 6 में से 1 गया, 5 मिली लीटर हो गया। जो छोड़ दिए हैं क्वेश्चंस बेटा उसको करिएगा, छोड़ेंगे नहीं, है ना। अब यहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। देखो द फ्यूल टैंक ऑफ ए कार हैज़ 12 लीटर ऑफ पेट्रोल, एक कार के टैंक में 12 लीटर पेट्रोल था। फॉर कम्प्लीटली फिलिंग द टैंक 8 लीटर मोर पेट्रोल वॉज फिल्ड इन, वॉट इज द कैपेसिटी ऑफ फ्यूल टैंक ऑफ द कार। तो पहले से 12 लीटर था, फिर हमने 8 लीटर और डाला, तो टोटल कितना हो गया, 8 और 2 10, 0 1 और 1 20 20 लीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 20 लीटर, उसमें 20 लीटर पेट्रोल आ सकता है ना, फुल हो गया था टैंकी, ठीक है। आप देखो अ ग्लास कंटेन 350 मिली लीटर ऑफ वाटर एंड अनदर ग्लास कंटेन 500 मिली लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इन दीज टू ग्लासेस, दोनों ग्लासेस में कितना है, इसको भी ऐड करना है। 350 ml और दूसरे में कितना है, 500 ml, प्लस 850 ml वाटर इज इन टू ग्लासेस हो गया, ठीक, नोट कर लो इसको। अ टी शॉप ओनर परचेज 13 लीटर ऑफ मिल्क, आउट ऑफ इट 6 लीटर ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हिम। एक चाय वाले ने कितना लिया, 13 लीटर दूध लिया, तो उसने 6 लीटर यू दूध इस्तेमाल कर लिया, बाकी कितना बचा, तो माइनस करेंगे, 13 में से 6 गया, 7 लीटर बचा। तो 7 लीटर मिल्क इज लेफ्ट विथ हिम। बेटा सबसे पहली बात, अगर आप मिली लीटर में कर रहे हैं तो आंसर में मिली लीटर लिखना नहीं भूलेंगे, अगर लीटर में कर रहे हैं तो लीटर लिखना नहीं भूलेंगे, यूनिट लिखना जरूरी है। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा।
तो ये जितना भी एडिशन का मैंने जो काम दिया है उसको कंप्लीट करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और ये जो मैंने आपको अभी वर्ड प्रॉब्लम्स कराई हैं इनको करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।